Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. और finally क्या हो रहा था? Sun was ascending. Ascending का मतलब क्या होता है? जैसे maths में पढ़ते हो तो हम बोलते हैं कि smaller number पहले लिखना है और फिर आते हैं आपके bigger numbers, right? यानी कि धीरे धीरे बढ़ना is ascending. तो sun का ascending मतलब कि sun was rising, right? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो है सूरज it was ascending, sun was ascending और blazing, blazing मतलब too hot, right? Very hot, यानी जो किरणें पड़ती है ना सुबह सुबह बहुत ज्यादा sunshine होती है तो वो जो sun rays हैं वो पड़ रही थी किस पे? Ledge पे. कौन से ledge पे? Seagull के ledge पे जहां पर हमारा seagull बैठा हुआ था. और ये क्या लेज कहाँ फेस कर रही थी? साउथ की तरफ. ठीक है, अगर यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है तो लेज जो है वो साउथ को फेस कर रही थी. ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा था? सनरेज पूरी वहां पर पड़ रही थी. इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज ब्लेजिंग. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. यानी कि उसको जो है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, यानी जरूरत से ज्यादा. जब आप भूखे होते हो यानी आप हंग्री होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाओ, ट्रैकिंग पे जाओ या फिर आप बहुत ज्यादा वॉक कर रहे हो, ठीक है, और आपने कुछ नहीं खाया होता तो और ज्यादा गर्मी लगती है. ऐसा लगता है कि बस अब तो बेहोश ही हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, राइट? तो वही चीज सीगल के साथ हो रही थी क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था पूरे 24 घंटे से, 24 आवर्स से उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला था. तो इस वजह से उसको सन रेज और ज्यादा चुभ रही थी, उसको और ज्यादा हॉट लग रहा था. क्लियर? ऑलराइट. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. और फिर इसने क्या किया, ये होल से धीरे धीरे चल के आया और लेज के ब्रिंक पे बिल्कुल कोने पे आके खड़ा हो गया. और फिर इसने क्या किया, इसने अपना एक पैर जो है वो छुपा लिया, ठीक है, और अपने एक पैर पे खड़ा हुआ था और एक आंख बंद कर ली. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दिखाना चाह रहा था अपने घर वालों को कि भाई मुझे नींद आ रही है. ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप. ठीक है, वो सो नहीं रहा था, वो कहीं ना कहीं नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि भाई जो है मुझे जो है नींद आ रही है. हो सकता है कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो मुझे आके आप खाना दे दो क्योंकि उसको अभी खाना ही चाहिए था, राइट? तो इस तरीके से वो प्रिटेंड कर रहा था, एक आंख बंद करके, एक पैर हाइड करके, कि आई एम स्लीपिंग. क्लियर? ऑलराइट. Still they took no notice of him. और फिर भी ये जो एक्शन उसने की, इतनी हिम्मत की, भाई एक पैर पे खड़ा हुआ था सीगल, फिर भी इसके पेरेंट्स और फैमिली ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और टोटली इग्नोर किया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और फिर इसने क्या देखा कि इसके जो दोनों भाई हैं और जो इसकी एक सिस्टर है, वो तीनों क्या कर रहे थे? वो प्लेट्यू पे बैठ के they were dozing. Dozing means sleep lightly. जब हम बोलते हैं ना कि थोड़ी हल्की हल्की नींद, या आप बोलते हो आप झपकी ले रहे थे हिंदी में, उसे आप बोलते हो dozing. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर है ना, उन्होंने क्या किया, अपनी जो ये हेड है और ये जो नेक है इसको संक कर लिया, राइट? यानी कि इस तरीके से वो बैठ जाते हैं सीगल्स और इसका मतलब होता है कि वो सो रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज सीगल ने देखी कि भाई मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो भी सो रहे हैं आराम से, यानी यहां से भी कोई उम्मीद नहीं कि मुझे खाना मिल जाए, राइट? ऑन राइट. His father was pinning the feathers on his white back. और पापा क्या कर रहे थे भाई सीगल के, मतलब सब व्यू बता रहा है वो कि इस वक्त हो क्या रहा था. इस वक्त ये खुद प्रिटेंड कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, बट इसको कोई देख नहीं रहा था. इसके जो सिबलिंग्स हैं, देवर डोजिंग ऑफ, वो लोग आराम से हल्की हल्की झपकी ले रहे थे, सो रहे थे. और पापा क्या कर रहे थे भाई सीगल के, हिज फादर वॉज प्रिनिंग. प्रिनिंग का क्या मतलब होता है? अपने फेदर्स को ठीक करना. प्रिनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. जैसे यहां पर आप देख रहे हो अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सीगल के पापा क्या कर रहे थे, ये अपने पंखों को अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे अपने पंखों का. सो ही वॉज प्रिनिंग, ऑलराइट, द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बट सिर्फ एक जन थी जो इस सीगल को देख रही थी, और वो कौन थी? सीगल की मदर. ठीक है, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. हम्प का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने कैमल देखा हो तो कैमल का बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा हुआ होता था, तो इसे आप बोलते हो हम्प है.
ठीक है, तो थोड़ा यू नो उठा हुआ भाग हो जाए, यानी नॉर्मली नेक अगर ऐसी है तो ये थोड़ा उठ जाए, तो इसको आप बोलते हो हम। तो ये प्लेट्यू का थोड़ा उठा हुआ भाग था, उस पर खड़ी हुई थी इनकी मदर। हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और किस तरीके से खड़ी हुई थी कि उनकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल सामने थी, ठीक है, अपने सीगल की तरफ। तो इस तरीके से वो खड़ी होकर उसे देख रही थी। ऑलराइट, ओके। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक। क्या कर रही थी वो उनके पास एक फिश थी, ठीक है, और बार बार वो उस फिश को देखो ऐसे टियर करके काट करके खाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उनके पैरों पे क्या होता है, ये लोग पैर से पकड़ लेते हैं फिश को, ठीक है, और फिर अपनी बीक से कोशिश करते हैं उसको टियर करने की, तो ये सपोर्ट भी हो जाता है, टाइट हो जाता है, और फिर टियर करते हैं इस तरीके से वो फिश को खाते हैं। एंड देन स्क्रैप डीच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, और फिर जो है एक रॉक एक चट्टान पे वो अपनी जो एक बीक है जो चोच है उसको कहीं ना कहीं पे स्क्रैप कर रही थी, ठीक है। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और इस तरीके से जब अपनी मम्मी को खाना खाते हुए देख रहा था, फिश खाते हुए देख रहा था, और ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था, तो वो पागल सा हो गया था कि नहीं भाई मुझे ये खाना चाहिए। और जिस तरीके से उसकी मम्मी जो है ये खाना खा रही थी वही उसको करना था, यानी उसको मजा आता था ये करने में, और वो क्या करना चाहता था, टू शार्पन, यानी कि वो अपनी बीक को जो है बार बार इसी तरीके से जैसे उसकी मम्मी पैर में पकड़ के खींच रही, वही उसे करना था, फाइनली रॉक पे शार्प करना था, वेटेड यानी शार्प करना, ठीक है। वो लोग ऐसे स्क्रैप करते हैं रॉक पे ताकि उनकी बीक शार्प हो, और यही चीज इस सीगल को भी करनी थी। ऑलराइट, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और जब वो अपनी मम्मा को देख रहा था भाई इस तरीके से फिश को टियर करते हुए, अपनी बीक को शार्प करते हुए, और यही चीज इस सीगल को भी करनी थी क्योंकि उसको बहुत मजा आता था ये करने में, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने साउंड प्रोड्यूस किया गा गा गा, विच मेंट कि भाई मुझे आप प्लीज ये खाना ला के दो, मुझे भी खाना है, क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी। गौ कॉल अ शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और फिर उसकी मम्मा ने भी एक साउंड प्रोड्यूस किया और चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, डेरिसिवली यानी कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर ये होता है अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हम बैठे हैं और अगर हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो किस तरीके से चिल्लाते नहीं रहा, कुछ भी बोलता है, राइट, तो वो क्या होता है, वो डेरिसिवली होता है, यानी कि सामने वाला आपको बताना चाहता है कि यार क्या स्टूपिड बात किया आपने। उसी तरीके से ये जो सीगल है, जब इसने अपनी मम्मा से खाना मांगा तो इसकी मम्मी ने भी क्या किया, शी स्क्रीम्ड बैक, उन्होंने चिल्लाया और चिल्लाते हुए उसको बोला कि मतलब आवाज प्रोड्यूस की और ये बोलना चाहा कि भाई यू आर स्टूपिड इनडायरेक्टली, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटेटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। बट उसने पूरी कोशिश जारी रखी, भाई मम्मा है, मम्मा से सुनो ऐसा कि उन्हें कुछ बोल दिया तो बुरा मान जाएंगे, तो उसको तो भाई भूख लग रही थी, तो वो अपने साउंड्स प्रोड्यूस करता ही जा रहा था कि नहीं भाई मुझे चाहिए, टेंटेटिवली यानी कि दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, ठीक है, तो बिल्कुल प्लेंटेटिवली बिल्कुल यू नो सैडनेस के साथ वो चिल्ला ही जा रहा था कि प्लीज मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसने बहुत ज्यादा यू नो खुशी से जो स्क्रीम करते हो ना, बिल्कुल एकदम से आप शॉक्ड हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, खुश हो जाते हो, तो एक स्क्रीम निकलती है, आवाज निकलती है, उसी तरीके से सीगल ने भी चिल्लाया। ऐसा क्यों, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और वो खुश इसलिए हुआ था क्योंकि भाई फाइनली उसकी जो मदर है उन्होंने पीस लिया फिश का, ठीक है, और वो उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी, तो सीगल खुश हो गया कि भाई फाइनली मेरा ये चिल्लाना काम आया और मेरी मम्मा को मेरे पे दया आई और फाइनली वो मुझे खाने को कुछ दे रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। डू नॉट हेजिटेट टू पुट योर कमेंट्स, क्वेरीज और क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली। Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.